चांदी, सोना, सिक्के, पैसे, तांबा, पीतल, लोहा, लाया, सब चीज मिलता है। हम इंतजार करते हैं गंगा बंद का, हम गंगा ढूंढेंगे। गंगा ढूंढने के बाद हमें पैसे भी मिलता है, सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, और माँ गंगा सबको ही देता है, निराश माँ गंगा किसी को नहीं करते। दीपावली बढ़िया अच्छे से बन जाता है। माँ गंगा धरती पर उद्धार करने आई थी और वह इस कार्य को निरंतर करती आ रही है। गंगा रहे या न रहे, मगर गंगा हमेशा लोगों का पेट भरती ही है। इन दिनों धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा बंदी के बाद सूखी गंगा में सोना, चांदी और पैसा खोजने उतर रहे लोगों में खुशी का माहौल है। हर वर्ष गंगा बंदी होते ही हजारों लोग अपने परिवारों के साथ हरिद्वार में डेरा जमा लेते हैं और अपने परिवार का पेट भरने का इंतजाम करते हैं। आप लोगों को पूरे परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ सूखी गंगा में खोज करते देख सकते हैं। इन लोगों को साल भर इस समय का इंतजार रहता है। गंगा में अपने परिवार की खुशी ढूंढने आए लोगों का कहना है कि इससे उनके परिवार का खर्च निकल आता है और उनकी दीवाली मन जाती है। एक साल में एक मौका आता है तो हम ढूंढते गंगा जी, और सोना, चांदी, पैसा जो भी कुछ मिलता है ये सब अपना हम रख लेते हैं अपने पास, मतलब खर्चा पानी के लिए। बस ये सब चीज मिलता है हमारे को। किस तरह आप ढूंढते हैं? इसमें बहुत कुछ मिल जाता है हमारे को, पैसा तो मिलता है, सोना का चैन हुआ, अंगूठी हुआ, बहुत कुछ, सोने बहुत आइटम आता है, बहुत कुछ मिल जाता है हमारे को। घर की इनकम, रोजी रोटी कैसे चलती है? गंगा ही चलती है हमारी, कभी 200 भी है, कभी 500 भी है। जैसे गंगा माई तरह देती थी हमारे को। बस जी, बंद होने के बाद एक तरह का कह दो कि घर का जो रोजगार होता है, घर की जो रोजी रोटी है। हाँ तो नहीं, रिक्शा चला लेते हैं, तंदूर लगाना भी आता है, काम से सब सीख लेते हैं। मजदूरी मतलब जो घर वर बनता है वो भी, उसमें भी मजदूरी भी कर लेते हैं। लेकिन गंगा बंद का इंतजार रहता है। हाँ, साल भर की बात है कि हम क्या, बाहर बाहर से पब्लिक आते हैं यहाँ पे, लुड़की कहाँ, नगीना, धामपुर कहाँ, ढूंढने आते हैं यहाँ पे। हाँ, हम तो लोकल यहीं के हैं। हम दशहरे की रात को अपना मेहनत करते हैं, गोताखोरी करते हैं, अपना तसले कपड़ में जो भी मिलता है मेहनत से हम कमाते खाते हैं, वही जो मिलता है गंगा माई दे देती है, भाग भोग का कमा लेते हैं अपना। क्या क्या मिल जाता है गंगा से? चांदी, सोना, सिक्के, पैसे, तांबा, पीतल, लोहा, लाया, सब चीज मिलता है। बाकी कपड़े कुपड़े बाहर कर देते हैं, साफ सफाई भी करते हैं। तो क्या घर की इनकम क्या इसी से चलती है? इसी से चलती है ये हमारी तो जी। मोटा भी मिल जाता है, अंगूठी अंगूठी टोपस सोने का गिर जाता है यात्री का, तो मिल जाता है गंगा जी में हमें। बंद होने के बाद कहीं ना कहीं घर की जो रोजी रोटी होती है वो इसी काम से चलती है। हम इंतजार करते हैं गंगा बंद का, हम गंगा ढूंढेंगे। गंगा ढूंढने के बाद हमें पैसे भी मिलता है, सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, और माँ गंगा सबको ही देता है, निराश माँ गंगा किसी को नहीं करते। मेहनत करो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, सोना ही मिला, चांदी ही मिला, पैसे मिले, पैसे तो मिले ही मिले। किस तरह इनकम कैसी रहती है, आमदनी कैसी रहती है, आमदनी कैसे चलता है? आमदनी का पता नहीं, कभी 100 दे दे, कोई 500 दे, कोई 1000 दे दे। ये आज 100 रुपये कमाया, कल 220 रुपये कमाए थे, ऐसा ही है। गंगा मैया में सोना चांदी ढूंढते हैं हमारे, और ये दशहरा वाले दिन बंद हो जाता है, और ये धनतेरस वाले दिन यहाँ पानी आएगा जी। तो किस तरह आप पैसे ढूंढते हैं? ये सोना चांदी जो भी है, पीतल तामा, उसके लिए हम ढूंढते हैं। तो इससे जब जो आपको सामान मिलता है गंगा से, उसका आप क्या करते हैं जी? जो सामान बढ़िया मिलेगा उसे हम घर ले जाएंगे, जो उतरा भूतरा जैसे अंगूठी वगैरह टूटी टाटी उसे बेचेंगे हम, और सिक्के के जो काले कूले जैसे चेंज कर देंगे सुनार के पास, और बाकी जो सामान सही है उसे घर ले जाएंगे। घर की क्या जो आमदनी है, घर का जो रोजगार कैसे चलता है? नहीं नहीं जी, हम काम करते हैं तो 15 दिन के लिए आते हैं यहाँ पे जी। अभी तो ये देखो अंगूठी आठी मिली है चांदी की, और जो तांबा पीतल और सिक्के मिले हैं हमारे। कहीं ना कहीं घर का जो गुजारा होता है। हाँ, जिससे हमारा ये दीपावली बढ़िया अच्छे से बन जाता है।